नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। जी हां, गंज वासोदा के लाल बहादुर शासकीय कॉलेज की छात्राओं ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के नाम एक ज्ञापन लिखा है। खिलाड़ी छात्राओं ने पत्र लिखकर खेल शिक्षक की शिकायत की है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए कॉलेज की छात्रा आंशी विश्वकर्मा और निकिता रघुवंशी ने कहा कि कॉलेज की ज्यादातर छात्राएं खेल में रुचि रखती हैं। कॉलेज की लड़कियां कई प्रतियोगिताएं भी जीत चुकी हैं, लेकिन कॉलेज उनको खेल के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा रहा है। छात्राएं जब भी शहर से बाहर किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाती हैं, तो उनके साथ पीटी टीचर नहीं जाते हैं, लेकिन छात्राओं की खेल के प्रति इतनी रुचि है कि जिसे बयां नहीं किया जा सकता। कॉलेज की खिलाड़ी छात्राएं शिवानी रघुवंशी और हर्षिता जैन का कहना है, जब भी शहर से बाहर कोई प्रतियोगिता होती है और कॉलेज को बुलाया जाता है, तो हम सब उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए स्वयं जाते हैं, लेकिन उस दौरान कॉलेज के पीटी टीचर नहीं जाते। जब भी किसी प्रतियोगिता के लिए पीटी टीचर से साथ चलने के लिए कहा जाता है, पीटी टीचर्स प्रतियोगिता में जाने के लिए इनकार कर देते हैं और छात्राओं को खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से मना करते हैं, जिसको लेकर छात्राओं ने कलेक्टर के नाम पत्र लिखकर शिकायत की है कि ऐसे शिक्षकों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट। नाम है निक्की रघुवंशी। और मतलब हमारे LBS कॉलेज में कोई सुविधा नहीं दे जाती है खिलाड़ी को, ना उनके लिए कोई मैट है कबड्डी खेलने के लिए और ना कोई कोच है जो कि उन्हें सिखाए और आगे बढ़ाए। और मतलब खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं उस कॉलेज में, पर उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। और इस बार मेरा नेशनल लगा था, पर कोई PTI ना जाने से मेरा नेशनल काट दिया। एक साल मैंने मेहनत की, मेरी कोचिंग का लॉस किया, पर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिला। मेरे घर वाले बिल्कुल डायरेक्टली मना कर रहे हैं गेम नहीं खेलना, क्योंकि उसमें कोई फ्यूचर ही नहीं बन पाएगा जब ना कोई PTI है ना कोई सुविधाएँ दी जा रही है, ये भले ही वो खेलें या ना खेलें। कितनी ली जाती है फीस? 300 रुपये सभी बच्चों के लिए। हाँ, भले वो खेले या ना खेले, फीस तो सबसे ली जा रही, पर उसके लिए कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही स्पोर्ट की। बोला था, कहने लगे देखेंगे, बस अभी तक 2 साल हो गई, 3 साल मैट तो नहीं आई कबड्डी की। तो इसकी आपने कहीं शिकायत की अधिकारियों से, उच्च अधिकारी? हाँ, अभी कहीं नहीं, कि प्रिंसिपल सर से बोलना फर्ज बनता, क्योंकि वो ही करेंगे ना जो भी करना है। शिवानी रघुवंशी है, LBS कॉलेज से, गंज वासुदा। हमारी समस्या, हमारे कॉलेज में मतलब कोई PTI नहीं है, और इस बार हम होशंगाबाद गए थे गेम खेलने, हमारे साथ कोई PTI नहीं गया। हमारे घर वालों ने डायरेक्टली मना कर दिया कि कोई कोच नहीं जा रहा, तो आप लोग भी मत जाओ। ये नियम भी तो सरकार का ही है ना भाई, कि अपन 2 से ज़्यादा अलाउ ही नहीं होते हैं, जब 10 लोगों को जाना है और शासन को ही उसका पेमेंट करना पड़ता है। अलग अलग प्रतियोगिताओं में अलग अलग प्रतिभागी जाते हैं, अपने यहाँ से 4 बच्चे गए, 5 बच्चे गए, इस प्रकार से। होशंगाबाद तो खैर मैंने किया, क्योंकि हमने जिला स्तर की नहीं करवाई, हमने होशंगाबाद करवाई थी बैडमिंटन की प्रतियोगिता, हमारे यहाँ से सर गए थे, बच्चों को साथ में लेके गए थे, सत्यनारायण सोनी जी सर गए थे हमारे यहाँ से।